हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 2 की, जिसमें लगा हुआ है फायरफी लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों, इसे सबसे पहले जो है फ़ोन को हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, इसमें जो है नीचे इधर जाना है विजन सेटिंग पे। विजन सेटिंग पे जाने के बाद टेलवॉक सबसे नीचे वाले पे दोस्तों आपको इसे जो है ऑन कर लेना है। टेलवॉक को, यानी कि टेलवॉक को ऑन कर लेना है सबसे नीचे। इसे ओके कर देता हूँ मैं। और ओके करने के बाद दोस्तों, इस पर जो है एल बनाना है हमें। देख सकते हैं दोस्तों, मैं एल बना दिया। एल बनाने के बाद दोस्तों, आपको टेलबैक सेटिंग पे जाना है नीचे से तीसरे नंबर पे। फिर दोस्तों, टेलबैक जैसे ऑन रहेगा तो इसे दोस्तों आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम डाउन और प्लस से दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है वॉल्यूम वालों को, यानी कि फिर ओके कर देना है। तो देख सकते हैं, इसका जो टेलबैक वो ऑफ हो चुका है। अब जो जाना है हेल्प फीडबैक में, दोस्तों आपको जाना है हेल्प फीडबैक में नीचे से तीसरे नंबर, फिर सबसे ऊपर वाले पे अबाउट पे जाने के बाद क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों क्या होगा, इससे जो हम यूट्यूब पर जाएंगे तो यहाँ फिर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर इधर थ्री डॉट का निशान यहाँ मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इधर आ चुका है वेस्ट लेटर। तो दोस्तों आपको इस पर ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो है फ़ोन का यूट्यूब जो है वो खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है यूट्यूब वो आ चुका है। फिर दोस्तों आपको जाना है इधर, इस पे जाने के टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको क्लिक कर देना है इस पे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा क्रोम ब्राउजर जो फ़ोन का वो आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों एक साइड है जिसका मैं आपको नाम यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको वो अपने इसमें जो लिखनी है। और दोस्तों एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, जिसका नाम है, एक तो दोस्तों आपको क्विक शॉर्टकट मेकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं साइट दोस्तों आप इसमें लिख रहा हूँ, वो साइट से आप लोड कर लें। इसमें मैंने इसमें लिख दिया बीके स्मार्टफोन। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही ऊपर वाली साइट आपको खुले बीके स्मार्टफोन से, इस साइट से क्या आपको क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड करना है। गूगल अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है, फिर जो है क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड करना है, यानी कि तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको एक पहले ही आप दूसरे फ़ोन में एक टेक्नो का एक ट्रिक ऐप का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लें, वो डाउनलोड करके चिप में रख लें, चिप में और फ़ोन में नोकिया 2 में इसमें डाल लें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है ये एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड कर ली इसमें। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यहीं ओपन कर लेना है। और दोस्तों, मैं दूसरी एप्लीकेशन जो बता रहा हूँ, वो आप टेक्नो का ट्रिक ऐप को जो है पहले दूसरे फ़ोन से या कंप्यूटर से या जो लोड कर लें, पहले उसमें चिप में डाल के अपने फ़ोन में इसमें डाल लें। तो दोस्तों, मैंने जो है दूसरे उससे जो कंप्यूटर से लोड करके चिप में रख रखी है दोस्तों, वो फ़ोन में इसमें डली हुई है, वो मैं दिखाऊंगा अभी दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, फिर आपको फाइल में जाना है। इसमें टेक्नो के उसमें क्विक शॉर्टकट मेकर हमने एप्लीकेशन खोली, और फिर जो है हम इधर एप्लीकेशन में गए, और दोस्तों अब जो है हम फाइल में जा रहे हैं। तो दोस्तों हम जो है फाइल मैनेजर में, यानी कि इसके हम जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आ चुका है फाइल, इससे जो फाइल में आ गया, फिर ट्राई कर देना है, यानी कि हमारा जो फ़ोन का फाइल मैनेजर होता है वो खुल जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। इससे देख सकते हैं दोस्तों, एसएसडी कार्ड नीचे, यानी कि चिप है, इसमें चिप डाल रखी है। तो टेक्नो के ट्रिक ऐप जो है मैंने इसमें जो है दूसरे फ़ोन मतलब कंप्यूटर से पहले डाउनलोड कर ली इसी साइट से, बीके स्मार्टफोन से, यानी कि इसमें अगर हो जाए तो आपको अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप दूसरे उसमें पहले डाउनलोड कर लें। फिर डाउनलोड करने के बाद आपको जो अब इस फ़ोन में जो है इंस्टॉल करनी है। 28 MB की एप्लीकेशन है, तो दोस्तों आप पहले दूसरे फ़ोन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें या कंप्यूटर से डाउनलोड कर लें, या इसमें हो जाए तो इसमें अच्छी बात है, बीके स्मार्टफोन साइट से ही हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल करनी है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको फिर एप्लीकेशन में जाके सेटिंग में जाना है, फिर ट्राई कर देना। तो दोस्तों आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, दोनों एप्लीकेशनों को आपको लोड करना है ऐसी। फिर जाना है दोस्तों आपको सिक्योरिटी सेटिंग में। सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में फिर जो जो सही का निशान लग रहा है इसे डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने के बाद दोस्तों अब जाना है आपको ऐप्स में, इसमें दोस्तों एप्लीकेशन मिलेंगे, ऐप्स में जाना है। ऐप्स में मैं दोस्तों चले जाता हूँ ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों अब जाना है आपको, यहाँ जाना है गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, दोनों एप्लीकेशनों को कुछ टाइम के लिए यानी कि बंद कर देना है, यानी कि इन्हें जो एप्लीकेशन को डिसेबल कर देना है। तो देख सकते हैं, मैंने ये कर दी, दूसरी भी मैं कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब जाना है दोस्तों अकाउंट में, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ चले जाता हूँ, अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ दोस्तों, मिल चुका है। फिर ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट को गूगल, गूगल में दोस्तों हम यहाँ चले जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ गूगल में हम जाने के बाद दोस्तों आपको दूसरी ईमेल आईडी, यानी कि दूसरी जीमेल आईडी या यानी कि आईडी पासवर्ड इसमें डाल लेना है दूसरी। अगर नहीं है तो आप पहले बना लें कंप्यूटर से या मोबाइल से, अपने बना लें, एक आईडी होती है
प्ले स्टोर की जो आईडी होती है वो इसमें आईडी आपको डालनी है, आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए आपको, तभी आगे बढ़ रहे। तो इसमें डालने नहीं है तो पहले बना लें। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है आईडी इसमें डाल दी। फिर दोस्तों आप, हमने जो एप्लीकेशन डिसेबल यानी कि बंद करी थी, फिर आपको जाना है उसमें ऐप्स में, फिर यहाँ डिसेबल में चले जाना है यहाँ पे, फिर दोनों एप्लीकेशनों को ऑन कर देना है यानी कि इनेबल कर देना है, चालू कर देना है दोनों एप्लीकेशनों को। दोनों एप्लीकेशन को चालू करने के बाद दोस्तों आपको जो है आप फ़ोन अपना जो है रिस्टार्ट यानी कि बंद करके दोबारा खोल देना है, यानी कि रिस्टार्ट कर देना है फ़ोन, और हमारा जो FRP लॉक मांग रहा था वो बिल्कुल बड़े आसानी से ऐसी खुल जाएगा। तो दोस्तों वो जो एप्लीकेशन मैंने टेक्नोकेट ट्रिक ऐप जो बताई थी दोस्तों, अगर वो BK स्मार्टफोन से वहाँ से डाउनलोड जब वहाँ आएगी, वो चौथे नंबर पर हैगी, उससे हो जाए तो अच्छी बात है। इस फ़ोन में जो होनी रही थी, तो मैंने दूसरे पहले कंप्यूटर से अपने उसमें वो BK स्मार्टफोन से डाल के उससे ही चौथे नंबर पे क्लिक करा, तो डाउनलोड करके चिप में डाल के अपने फ़ोन में इसमें रख ली और वहाँ से ये कर दिया। तो आप भी पहले अगर आपके फ़ोन में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो आप दूसरे फ़ोन में या कंप्यूटर में डाल के पहले एप्लीकेशन वो 28 MB की दोस्तों आप पहले डाउनलोड कर लें, फिर डाउनलोड करने के बाद इस फ़ोन में आप डाल लें मेमोरी कार्ड में, तो आपका फ़ोन जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा इस तरीके से, जैसे जैसे हमने करा बिल्कुल आपको ऐसे करना है, आपका फ़ोन बिल्कुल 100% आपको खुल जाएगा। और दोस्तों कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करो और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है वो खुलने ही वाला है, और दोस्तों जैसे ही फ़ोन आपका सही हो जाए तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो हमने टेक्नोकेट ट्रिक एप्लीकेशन इसमें डाली है, तो वो टेक्नोकेट ट्रिक ऐप को सेटिंग में जाके एप्स में जाके इंस्टॉल कर देना है सबसे पहले। ये काम दोस्तों आपको करना है, टेक्नोकेट ट्रिक ऐप को इंस्टॉल कर देना है, और क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर देना है बिल्कुल। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है रेडी हो चुका है, बिल्कुल हमारा फ़ोन ओके खुल चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, जो टेक्नोकेट ट्रिक का जो इधर एरो का निशान गुणा का निशान इधर उधर जा रहा है, तो दोस्तों ये आता है, तो आप पहले कभी वीडियो यहीं छोड़ दें फिर आपको वो प्रॉब्लम आए, तो पहले सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जो जाना है इसमें ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाने के बाद आपको टेक्नोकेट ठीक ऐप को इसमें ढूंढना है और उसे इंस्टॉल कर देना है। आपको देख सकते हैं दोस्तों, टेक्नोकेट ट्रिक इंस्टॉल इसे कर देना है। और फिर क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर देना, फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है।